का WNBA मैच लॉस एंजलिस स्पार्क्स वर्सेस लास वेगास एसेस। पॉइंट गार्ड से ग्रे, कूपर, टॉलिवर और होल्स। शूटिंग गार्ड से प्लम, बी साइक्स, विलियम्स और व्हीलर। स्मॉल फॉरवर्ड से यंग, कोफी, एमबी और जेसी वॉकर। पावर फॉरवर्ड से ननेका ओग भूमिके, चिन्नई ओग भूमिके और अज्जा विल्सन। सेंटर से लिज कैम्बेज। ये जो प्लेयर्स आउट है उनको पिक नहीं करना है। मैकॉर्टी, रूपर्ट, एना आयुसो, इवाना राका, मारिया वडिवा, जी विलियम्स और एजा ओइवी। एसपी और पीपी के लिए पिक्स टॉप, अज्जा विल्सन और लिज कैम्बेज और रिस्की में साइक्स, टोलिवर और ननेका ओगुमुइके। लास वेगास ऐसे अपना लास्ट मैच जीत चुकी है। लास्ट मैच में विल्सन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। यूनिवर्सल एसपी होंगी। यंग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। विल्सन क्या करती है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। पॉइंट्स लेगी, रिबाउंड्स, असिस्ट और ब्लॉक स्टील भी करेगी। यंग भी पॉइंट्स, रिबाउंड्स और असिस्ट और स्टील। चेल्सी ग्रे पॉइंट्स, असिस्ट और ब्लॉक स्टील। रकुना विलियम्स पॉइंट्स लेगी ज़्यादा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। और कैम्बेज सभी सेक्शन में पॉइंट्स देगी। बेस्ट प्लेयर है इस टीम की। अगर ये 30 से ज़्यादा मिनट खेलती है तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स यही देगी। पॉइंट्स, रिबाउंड्स और ब्लॉक्स सबसे ज़्यादा करेगी ये। बेंच से प्लम अच्छी फॉर्म में है। थ्री पॉइंट शूट हो रहा है, रिबाउंड्स भी ले रही है, असिस्ट भी ले रही है और स्टील भी कर रही है। एमबी अच्छी प्लेयर है। अगर गेम क्लोज रहता है तो एमबी अच्छा टाइम खेलेगी। और अगर एमबी 30 से ज़्यादा मिनट खेलती है तो 30-35 पॉइंट्स भी दे सकती है। तो आप ग्रैंड लीग में रिस्की पीपी भी ट्राई कर सकते हो। बाकी जीसू पार्क और स्लोकम और कैनन में से किसी को पिक नहीं करना है। जीसू पार्क को आप क्रेडिट सेवर के रूप में पिक कर सकते हैं, बाकी अदर किसी को भी पिक नहीं करना है। लॉस एंजलिस स्पार्क्स अपना लास्ट मैच हार कर आ रही है। इसमें चेन्नई ओगुमुइके ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। पॉइंट्स, रिबाउंड्स, असिस्ट और स्टील करती है। थ्री पॉइंट भी लगाती है। साइक्स लास्ट ईयर WNBA की ऑल टाइम डिफेंसिव टीम में थी। अच्छी डिफेंडर है। इसको तो आपको ज़रूर से ज़रूर पिक करना है। अगर ये टीम जीतेगी तो साइक्स टॉप टू में पॉइंट ज़रूर होगा इसका। और ननेका ओगुमुइके भी अच्छी प्लेयर है, डबल डबल करती है। क्रिस्टी टॉलिवर इस टीम की टॉप शूटर है। अगर इसके शॉट कनेक्ट होते हैं तो अच्छा पॉइंट्स देगी। और एरिका विलेर अच्छी प्लेयर है, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करती है। और कोफी और जेसी वॉकर दो रूकीज अच्छी प्लेयर्स है, अच्छा टाइम्स खेलेंगी और परफॉर्मेंस भी करेगी। और तिया कूपर तो परफॉर्मेंस करेगी। और होम्स के शॉट्स लगते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। बाकी किसी और को पिक नहीं करना है इस टीम से। एसपी और पीपी के लिए ननेका, साइक्स और क्रिस्टी टॉलिवर अच्छी पिक्स हैं। और गेम वन साइड होता है तो कॉफी और वॉकर पीपी के लिए अच्छी पिक्स हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना फाइनल टीम के लिए।